हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे क्योंकि आप रोज हमारी वीडियो देखते हैं और ऐसी वीडियो को सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें। तो आज अगली सरगम करेंगे हम, जैसे कल हमने करा था आखिरी सरगम करी हमने, शुरुआत में साकर रियाज करा, हम ही का रियाज करा, फिर आगे सरगम करी, फिर उससे अब आगे चलेंगे हम। सरगम हमने करे था उसके आखिरी वाले सरगम के जो दो पार्ट थे उससे हमने एक पार्ट कर दिया था। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। पहले हम 2 मिनट करेंगे साकर रियाज, फिर 2 मिनट करेंगे हम ही का रियाज, फिर आ जाएगी अपनी पुरानी सरगम जो हमने कल करी थी, फिर जो आने वाली सरगम है उसका रियाज करेंगे। दो मिनट साकर रियाज। अब करेंगे हमिंग का रियाज। होंठ बंद रखने और अंदर से आवाज आनी चाहिए। Thank you.
अब करेंगे कल वाली सरगम, दो तीन बार करेंगे उसको, मैं बताऊंगा शुरुआत से, पर ऐसे अलग स्लो में, फिर फास्ट में, फिर आएंगे जो आने वाला सरगम नए उस पे, दूसरे पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट। फिर फास्ट में आएंगे करेंगे आने वाले जो कल जो दूसरा पार्ट रह गया था वो पार्ट करेंगे अब सरगम का। ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ये था आरो सा सारी सा, जैसे सरगम है ना सारे गा मा धा नी सा नी धा मा गे सा, ये जो सरगम है इसका ही जो वापस वाला पार्ट है सा नी धा पा मा गे सा, ये जो सरगम है ना ऊपर वाली जिससे अपन नीचे जाते तीन स्वर लिए थे ना सारी गा, इसके लिए जैसे एक एक स्वर बढ़ाया था सा, फिर सारी सा गाया, फिर सारी गा गाया, फिर गा मा गाया, फिर पा गाया, धा गाया, ऐसे एक एक स्वर जोड़ा था ना एक एक राउंड के बाद, तो वही अब वही वही चलेगा। पहले बोलेंगे सा नी धा नी सा, मतलब वही एक एक स्वर जोड़ेंगे, कैसे बता देता हूं एक बार। पहले नीचे वाला था, अब ऊपर वाला, सा नी धा पा मा पा
अंदर पड़े ना सा नी धनी सा नी धा पा धनी सा, एक एक स्वर पड़ रहा है, स्लो करेंगे फिर फास्ट करेंगे। 1 2 3 सा 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 नी सा सा नी धनी सा नी धा पा धनी सा नी धा पा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा नी गा मा पा सा नी धा पा मा गा नी सा नी धा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा नी गा मा पा सा नी धा पा मा गा मा पा धनी सा नी धा पा मा पा धनी सा नी धा पा धनी सा नी धनी सा। दोबारा करेंगे स्लो में, फिर करेंगे फास्ट में। अब आएंगे फर्स्ट पे, स्लो तो आपको समझ आ गई, अब फर्स्ट की करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अवरोह भी समझ आ गया होगा। तो अब हम करेंगे दोनों एक साथ, आरोह अवरोह एक साथ करेंगे। 1 2 1 2
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी ये सरगम पूरी। जैसे हमने कल एक पार्ट करा था, आज एक पार्ट करा, अब आगे भी बढ़ेंगे। आगे कल हम करेंगे एक साथ जितनी भी सारी सरगम करें ना, सारी एक साथ करेंगे। फिर वो करेंगे, उससे अगले दिन करेंगे हम, ऐसे मतलब आगे आगे करते जाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे और तेज करेंगे। फिर कोमल स्वर पाएंगे, फिर तीव्र स्वर पाएंगे, ऐसे अलग अलग स्वर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ तभी शुद्ध स्वर, ये सारी शुद्ध स्वर की सरगम थी जितनी यहाँ तक थी, यहाँ जो मतलब अभी कर रही है आखिरी सा सारी सा सा नि सा, जिसका अवरो आरो जो भी एक सरगम है पूरी, ये लास्ट सरगम थी हमारे शुद्ध स्वर की। शुरुआत से लेकर ये हो गया हमारा पूरा शुद्ध स्वर। मेरे ख्याल से 15 या 16 सरगम है, 15 सरगम है मे भी लगभग। तो ये सरगम आपकी कॉपी में भी लिखी होनी चाहिए, कोई भी आपने मोटी सी डायरी लेनी है उसमें लिखी होनी चाहिए, ताकि आप सभी को मान लो बाद में अपने कुछ रियाज करना हो, मान लो मैं वीडियो आप मेरे को ना, मेरी वीडियो ना मिले, वैसे मिलनी चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके पास बेल आइकन भी दबाना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आए, ताकि कुछ नया सीखने को मिले। जैसे हम भी कुछ नया करते रहते हैं, अब नया बिगनर्स के तो बहुत कुछ नया है। अब यहाँ पे जितना रियाज करेंगे उतना ही हर चीज नहीं मिलेगी आपको, तो रियाज करना मत भूलेगा। राधे राधे, जय श्री राम। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।